ये भाजपा से पूछना पड़ेगा कि आखिर इन लोगों को कौन उसका रहा है। सड़क पे बारी आती तो तलवार लेके घूमते हैं, सदन जनता की बारी आती है तो कुर्सी तोड़ते हैं। आप एक बार डिबेट के भाई भाई एक चीज बताइए, आप लोग कभी एक बार डिबेट क्यों नहीं करा देते हैं? बुलाइए भाजपा वाला को, हमको भी बुलाइए, हम नौकरी की डिबेट करने को तैयार हैं। देश में और बिहार में उनके लोगों ने कितने नौजवानों को नौकरी किया, इसका डिबेट कराइए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, के पाठक और जो शिक्षक विभाग के लोग हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक है वो सड़क पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उतना ही नहीं, जो नए शिक्षक भर्ती किए जाने हैं, जो टीचरों के लिए नई बहाली निकली है, उसको लेकर क्या कुछ जवाब दे रहे हैं, पहले आप वो सुने। हमने कहा कि एक एक बात आपकी सुनेंगे, मानेंगे, लेकिन जो नियम कहता है उसी के तहत आपके लिए काम करेंगे। हमने कब कहा कि उसकी बात नहीं मानने का? हम नियम के तहत उसकी सभी बात मानने के लिए। क्यों नहीं इन लोगों ने खत्म किया जब आपने ये बात कही? ये तो भाजपा वालों से पूछना पड़ेगा। सर कह रहे थे कि कैबिनेट से, ये भाजपा से पूछना पड़ेगा कि आखिर इन लोगों को कौन उसका रहा है। जलवायु परिवर्तन को लेकर के किसान परेशान है, किसान की एक बात सदन के अंदर नहीं किया इन्होंने, कुर्सी तोड़ रहे हैं। ये लोकतंत्र का मंदिर में कुर्सी तोड़ने को है क्या? सड़क पे बारी आती तो तलवार लेके घूमते हैं, सदन जनता की बारी आती है तो कुर्सी तोड़ते हैं। ये कौन सा इनका परिभाषा है लोकतंत्र का, हमें तो समझ में ही नहीं आता है। संदीप जी, के पाठक ने कल एक आदेश जारी किया है जिसके बाद जिला की पूरी मशीनरी को सारे के सारे पदाधिकारियों को शिक्षकों की उपस्थिति चुनने के लिए। आप सिर्फ एक गारंटी हमको दे दीजिए, आप पत्रकार हैं, 170,000 बहाली में आप लिख के दीजिए कि आपका भाई उसमें जो है कोई परिवार नहीं भरेगा। ये आपके लिए भी है, इसलिए मेरी विनती है कि जब नौजवानों की बहाली निकल रही है उसमें आप लोग भी सहयोग करिए। आपने पाठक जी के कौन धमका रहा है? कुछ नहीं कहा। आदेश तो आया, किसने धमकाया, पाठक ने कब धमकाया? हम नौकरियां की बात कर रहे हैं, आप उसको धमकी के रूप में दिखा रहे हैं। हम नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं, आप उसको धमकी के बारे में दिखा रहे हैं। आप एक बार डिबेट के भाई एक चीज बताइए, आप लोग कभी एक बार डिबेट क्यों नहीं करा देते हैं? बुलाइए भाजपा वाला को, हमको भी बुलाइए, हम नौकरी की डिबेट करने को तैयार हैं। देश में और बिहार में उनके लोगों ने कितने नौजवानों को नौकरी किया, इसका डिबेट कराइए। प्रदर्शन करना है भाई, डिबेट कराइए ना, छोड़ दीजिए ना भाई। प्रदर्शन का तरीका होता है ना, आप कुर्सी तोड़िएगा सदन के अंदर, कुर्सी तोड़िएगा। कुर्सी जब टूटी क्यों नहीं आप लोग कोई दिखा रहे हैं? सदन के अंदर कुर्सी टूटा ये देश और दुनिया को क्यों नहीं दिखाई जा रही है? मणिपुर में महिलाएं बिना वस्त्र का घूम रही है, दुनिया को क्यों नहीं दिखाई जा रही है? उस आंदोलन को भी दिखाइए। हम नौकरी देने को तैयार हैं, हम नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा से अगर नौजवानों की बात होती है तो उसको हमेशा पॉजिटिव रूप में देखना चाहिए। ये सब नहीं चाहते हैं, 15 साल से शासन कर रहे थे। आपने सुशील मोदी का एक डिबेट हमें बता दीजिए जो नौजवानों की नौकरी का किया हो, एक डिबेट कोई बताइए बिहार में। सुशील मोदी के साथ साथ भाजपा का कोई एक मंत्री, एक विधायक नौजवानों की रोजगार के लिए अगर कोई नौकरी का डिबेट किया हो तो हमको बता दीजिए। तो भैया, बिहार सरकार के मंत्री कुमार सर्वजीत को सुन रहे थे, किस तरीके से के पाठक और जो नई बहाली निकली है उस पर क्या कुछ बोल रहे थे वो भी आपने सुना। पर जो कुमार सर्वजीत हैं उनका साफ शब्दों में कहना है, अगर आप नियम से आते हैं तो आपकी सारी बात है वो मानी जाएगी। क्या कुछ कह रहे थे कुमार सर्वजीत वो आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्टेशन के साथ, धन्यवाद।